आगरा हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जहां घूमने आने वाले टूरिस्टों की संख्या कभी कम ही नहीं होती। आगरा में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों की सूची में शुमार ताजमहल, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी चौथी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। बता दें कि मुमताज महल की मौत उनके 14वीं संतान को जन्म देते समय हुई थी। कहा जा रहा है कि अब ताजमहल पहले जैसी मजबूत नहीं रही, इसकी मजबूती में दिन पे दिन कमी आती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यमुना नदी में कम होता पानी। धीरे धीरे यमुना का पानी सूखता चला जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भला ताजमहल को यमुना नदी से क्या मतलब, लेकिन अगर देखा जाए तो ताजमहल का सीधा कनेक्शन यमुना नदी से ही है। दरअसल मुगल काल में बनी इस इमारत की नींव लकड़ियों पर टिकी हुई है, जिसमें नींव के लिए आबनूस और महोगनी की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अब ये ऐसी लकड़ियां हैं जिन्हें मजबूत रखने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है, या यूं कहें कि इन लकड़ियों को जितना पानी मिलेगा ये उतनी ही मजबूत रहेंगी। चूँकि ताजमहल की नींव इन्हीं लकड़ियों पर टिकी हुई हैं, तो इन लकड़ियों को नमी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये यमुना नदी से सोख लेती हैं। यानी ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाने का यही सबसे बड़ा रीज़न है, ताकि लकड़ियों को नमी मिलती रहे। ऐसे में यदि यमुना का पानी सूखने लगे तो इन लकड़ियों को पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए यमुना का घटता पानी ताजमहल की मजबूती पर बनता एक सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो ये हम सभी जानते हैं कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन आसपास होने वाले पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल की दीवारें अब पीली होने लगी हैं। हाल की रिपोर्ट की माने तो वो दिन दूर नहीं जब सैलानियों को सफ़ेद ताजमहल की जगह कत्थई और पीला ताजमहल देखना नसीब होगा। वायु प्रदूषण के साथ साथ यमुना की तलहटी में पनपने वाले गोल्डी काइरोनोमस नाम के कीड़े भी ताजमहल को बदरंग कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ताजमहल खूबसूरत से बदरंग दिखने लगेगा। इसलिए आजकल ताजमहल की सुंदरता और मजबूती को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।